गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में द स्टोरी ऑफ लुईस ब्रेल की स्टोरी पढ़ी थी, बुक से रीडिंग करी थी। आज हम उसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिटिल माइंड का मीनिंग होता है वेरी सर्टन दैट यू वांट टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना, कभी कभी कुछ ऐसा करना वो होता है लिटिल माइंड, यानी कोई चीज़ ऐसी हम देखते हैं जिसे हमें लगता है कि हमें ये भी करना चाहिए। पंच मेक अ होल इन समथिंग विद अ स्पेशल टूल, पंच का मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज में होल करना, किसी चीज में छेद करना, किसी स्पेशल टूल की, किसी ऐसे औजार की मदद से जिस जो लुईस ब्रेल का क्या करते थे, उसके फादर लेदर का काम करते थे, तो वो लेदर में पंच करते थे। तो यहाँ पर पंच का मीनिंग यही है कि वो किसी स्पेशल टूल से लेदर के अंदर होल करते थे, पंच करते थे। इंजरी वाउंड, इंजरी वाउंड का मीनिंग सेम होता है डैमेज डन टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन और एनिमल, डैमेज यानी कि खराबी आना हमारी बॉडी में, किसी इंसान के शरीर में या जानवर के शरीर में, उसे बोलते हैं इंजरी या वाउंड, यानी जिसे हम कहते हैं चोट लगना हिंदी में। इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड मतलब किसी को किसी बात से, किसी जर्म से इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को कोई डिजीज हो जाती है तो हम उसे कहते हैं इन्फेक्टेड। जैसे डिजीज यानी किसी का कोई बीमारी होना तो वो भी इन्फेक्टेड होगा। फुल ऑफ जर्म्स दैट कैन मेक यू इल, या फिर यू बोल सकते हैं कि वो जर्म्स, वो कीटाणु जो आपको बीमार बना सकते हैं। नाउ फाइव वाला देखिए अडैप्ट, अडैप्ट का मीनिंग होता है चेंज द वे यू डू थिंग्स बिकॉज यू आर इन अ न्यू सिचुएशन, अपने तरीके को बदलना जिससे हम उस तरीके को यूज करके और भी अच्छी नई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और भी अच्छा उस चीज को बना सकते हैं। वेकेशन, वेकेशन मतलब होता है छुट्टियाँ, मीन्स हॉलीडे, क्या बोलते हैं हॉलीडे। इन्वेंटर, इन्वेंटर मतलब होता है अ पर्सन हु मेक्स और थिंक्स ऑफ समथिंग न्यू, ऐसा पर्सन जो किसी नई चीज़ को बनाता है या सोचता है उस चीज़ को बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, ये आपके वर्ड मीनिंग है, ये 7 वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश टेक्स्ट की नोटबुक के अंदर करने हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने इसके वर्ड मीनिंग करे थे, अब इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। हाउ ओल्ड वॉज लुईस वेन ही लॉस्ट हिज आईसाइट, लुईस कितने साल के थे जब उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी, जब वो अंधे हुए थे अपनी आंखों की रोशनी खोई थी। लुईस वॉज 3 ईयर्स ओल्ड वैन ही लॉस्ट हिज आईसाइट, लुईस 3 साल के थे जब उन्होंने अपने आंखों की रोशनी खोई थी। वाई डिड लुईस वॉन्ट टू ज्वाइन अ स्कूल विद स्पेशल फैसिलिटीज, लुईस को स्पेशल फैसिलिटीज के साथ स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। लुईस वॉन्टेड टू ज्वाइन अ स्कूल विद बेटर फैसिलिटीज बिकॉज ही वॉन्टेड गुड एजुकेशन दैट वॉज स्पेशली फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, वो स्पेशल फैसिलिटीज के साथ स्कूल इसलिए ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अच्छी एजुकेशन चाहिए थी जो स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए हो जो देख नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल में फैसिलिटी थी, तो वो फैसिलिटी वो अपने लिए चाहते थे। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द वेरी टूल विच हैड कॉस्ट हिम टू गो ब्लाइंड कुड बी यूज टू मेक अ रेस डॉट अल्फाबेट दैट वुड अनेबल हिम टू रीड, तो ये लाइन आपकी बुक में से ली गई है जो हमने रीड करी थी। व्हाट वाज द टूल दैट कॉस्ट हिम टू गो ब्लाइंड, वो कौन सा टूल था जिसकी वजह से लुईस की आंखों की रोशनी चली गई थी। द टूल दैट कॉस्ट हिम टू गो ब्लाइंड वाज ऑफ हिज फादर्स, जो टूल था जिसकी वजह से लुईस की आंखों की रोशनी चली गई थी वो उसके फादर की थी यानी उसके पापा की थी। व्हाट इज दिस अल्फाबेट कॉल्ड एंड व्हाई, अब जो लुईस ने जो अल्फाबेट बनाए थे उस अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं और क्यों उसे ये नाम दिया गया है। आंसर देखिए, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था व्हाट इज दिस अल्फाबेट कॉल्ड एंड व्हाई, इस अल्फाबेट को क्या बोलते हैं और क्यों, तो इसका आंसर है द अल्फाबेट सिस्टम इज नोन एज
जानी जाती है। ना फिर से वन लाइन लिख करके और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इज द लुइस सॉरी इज द ब्रायन सिस्टम ऑफ रीडिंग आंसर्स अवार्ड विनिंग आपकी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।